आपका फिर से स्वागत है न्यूमेरिक गैलेक्सी न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज फिर एक वीडियो सुबह हमने डाला था सामाजिक विज्ञान पर, जो टेढ़ा प्रश्न था। आज फिर सामाजिक विज्ञान का जो गेस किया हुआ मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसमें से एक क्वेश्चन जो अक्सर परेशान करता है, और क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन है, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करवाने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, क्यों? देखिए ये सामाजिक विज्ञान का सवाल है और इसमें आपकी तर्क क्षमता का विकास होता है। तो देखिए समय किस समय की बात है, ये प्रश्न किस समय का है, 19वीं सदी का प्रश्न है, और उस समय क्या हुआ था, औद्योगिकरण प्रारंभ हो चुका था। किस जगह का क्या ये प्रश्न है, ये है यूरोप का, ये यूरोप का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों से काम करवाना ज्यादा पसंद करते थे, मशीनों को लगाने के बजाय। वो मशीन लगाना नहीं चाहते थे, श्रमिकों से काम करवाना वो अच्छा समझते थे। कारण तो कोई रहा होगा, आपको इसमें इसी का कारण देना है। अब देखिए कारण को समझते हैं, कारण क्या है, नई टेक्नोलॉजी जो आई थी, मशीन नए नए बने थे और ये मशीन महंगे थी, नई टेक्नोलॉजी महंगी थी, उनका मरम्मत करना भी बड़ा महंगा था, कहीं कहीं मरम्मत की व्यवस्था भी नहीं थी, मरम्मत आसान नहीं था, इसलिए उद्योगपति जो है मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों से काम करवाना चाहते थे। अगली मुसीबत समस्या क्या थी, मशीनों के मशीन उतने नए नए मशीन थे, अभी उतने कार्यकुशल नहीं थे, और दावे विज्ञापन में दावे बहुत बड़े किए जाते हैं, आज भी जो दावे किए जाते हैं विज्ञापन में उतने सामान उतने खरे नहीं उतरते, और उस समय भी विज्ञापन की ये परिपाटी रही है कि जितनी क्षमता उससे ज़्यादा जाकर वो दावे करते हैं, तो दावे तो ज़्यादा कर देते थे और उसी को देख करके उद्योगपति खरीद लेते थे, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से देखा गया तो जितने दावे किए जाते मशीनों के बारे में उतने कार्यकुशल मशीन नहीं थी। अब क्या हुआ, औद्योगिकरण शुरू हो गया था और पूरे यूरोप में पता चल गया कि अब मशीन हाथ के बजाय मशीन से काम जो है ज़्यादा काम होगा और बहुत सारे मजदूर को भर्ती किया जाएगा, पूरे यूरोप में फैल गया। तो क्या हुआ, गांव के जो किसान थे, निर्धन किसान थे, उसको मजदूरी नहीं मिल पाती थी, निर्धन किसान मजदूर सब भारी संख्या में शहरों की ओर कूच कर दिए, कि क्यों कूच कर दिए, क्योंकि वहां जाएंगे तो काम मिलेगा। जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे श्रमिक का भीड़ शहरों में इकट्ठा हो गया और श्रमिक सस्ते हो गए, यानी कि श्रमिक की आपूर्ति, श्रमिक की सप्लाई जो है उनकी मांग से अधिक थी और इससे श्रमिक सस्ते सस्ते मिलने लग गए। अगला क्या था, क्यों उद्योगपतियों ने मशीनों को वरीयता दी, मशीनों को ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि हाथ से बने वस्तुओं में विविधता थी, हाथ से बनी वस्तुओं में जैसे कोई छोटा सामान भी बन सकता था, कोई बड़ा सामान भी बन सकता था, या फिर कुछ अलग किस्म का, अलग प्रकार का, अलग डिज़ाइन का बना सकते थे हाथ से लोग, लेकिन मशीन तो एक ही उसका वो फर्मा होता था, तो एक ही टाइप के मशीन से एक ही टाइप की वस्तु बन पाते थे और जिसकी डिमांड कम थी। अब ये देखिए, बाजार में बारीक डिज़ाइन की मांग ज़्यादा रहती थी और मशीन जो है उस टाइप से बारीक डिज़ाइन नहीं बना पाता था, तो बारीक डिज़ाइन बनवाने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। ये थे इसके कारण,
और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और दो बार तीन बार देख लेंगे, याद भी हो जाएगा। धन्यवाद।